and don't read the solution, otherwise you will get confused. खुद से कुछ try करना है कर सकते हो, but पहले से solution पढ़ने मत लगना. Suppose you must make five annual dollar 1000 payment. The first one starting at the beginning of year 4, means at end of year 3. मतलब T3 से चालू होगा और 5 बार हजार हजार डालेंगे या डालने के हैं. तो T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. तो T3 से चालू होंगे 1000, 1000, 1000, 1000 और 1000. Accumulate the money to make this payment. You want to make three equal payments into an investment account. The first to be made 1 year from today. तो ये सब मैं afford कर सकूं. ऐसा करने के लिए T1, T2 और T3 हर एक साल saving करूंगा. और वो कितना करना है वो ही ढूंढने का है. वो मैं X लिख रहा हूं. वो मैं क्या लिख रहा हूं? X लिख रहा हूं. ठीक है, तो वही ढूंढना है एक्स क्या है और रेट क्या है. 10% है रेट, क्या है 10% है. तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लो और फिर वो करो. देखो 1, 2, 3, 4, 5 1000 5 बार है तो PMT में 1000 लिखना. N5 IY10 FV0 और पीवी ढूंढ लो. पहले इतना करो, पीवी ढूंढ लो. वो जो 1000 1000 5 बार डाल रहे हैं ना उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लो. IY10 N5 क्या आया? 3790.78. अच्छा, और अब तक ये क्लियर हो गया T3 से शुरू हो रहा है तो ये कहां पे आएगा? T2 पे आएगा. बराबर, तो T2 पे 3790 आया, उसको T0 पे ले लो. उसको T0 पे ले लो मतलब डिवाइड बाय 1.10 स्क्वायर. T2 से T0 पे ले जाओ by dividing with 1.1:2. यहाँ तक सब ठीक हो? यहाँ तक सब ठीक हो? ऑनलाइन ओके. तो अभी सिंपल है, सिर्फ इतनी सिचुएशन देखो कि T1, T2, T3 जो हम पैसा डालेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू 3132.88 है, राइट? तो सिंपली क्या करना है, अभी टीवी में 3132.88, आईवाई में 10, एन में 3, राइट, और एफपी तो कुछ है नहीं तो 0. कंप्यूट पीएमडी जो लास्ट स्टेप होगा. फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं, प्रेजेंट वैल्यू में 3132.88, आईवाई में 10, एन में 3, एंड यू कंप्यूट पीएमडी 1259.77 या टेक्स्ट बुक में जो है 1260. ठीक है, दैट इज द आंसर. All of you got it?
सॉरी आंसर आया आपका because we have to find this x na what periodic payments are needed right okay so see this is the chapter right yeah. Yes when end of year three and the digital year mention nahi beginning of year 4 bole to samajh lega end of year 3 hai वैसे भी सब तो भी समझना ही पड़ेगा हाँ हाँ यस यस तो ये सारे टॉपिक्स है अपनी जो बुक का चैप्टर है उसके हर एक इलस्ट्रेशन और दो एक्सरसाइज होगी वो क्विज एक्सरसाइज मतलब क्विज इतना कर लेना आजकल में ही कर लेना जो लोग पहली बार करते हैं ठीक है दिस इज द चैप्टर और टाइम वैल्यू का क्या है वो कब जरूरत पड़ेगी कुछ बोल नहीं सकते मतलब एज अ टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही बट दूसरे एरियाज में खास करके फिक्स इनकम में भी यू हैव टू बी गुड विद दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन ठीक है सो दिस इज द चैप्टर सर इसमें हाँ कल आप नहीं नहीं डेरिवेटिव सर इसमें अगर मैं